मैं ना प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है। सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, हम कृषि से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई से नई अपडेट आपको बताते रहते हैं। इसी प्रकार आज मैं आपको बताऊंगा गेहूं की वैरायटी के अंदर। ये खेत है, मैं सबसे पहले ये खेत दिखा देता हूँ आपको, जिसमें हमने गेहूं लगवाया था। WW32 ये वैरायटी का नाम है, WW32 मधुसूदन कंपनी का। ये आपकी बार नया ही प्रोडक्ट निकला है मधुसूदन के नाम से, WW32 के नाम से। पहले WW47 आता था, अब WW32 के नाम से आ रहा है। फिर W999 की वैरायटी आ रही है, तो हमने इसमें डलवाया था W3232। ये बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसका जो पचराव करने की जो क्वालिटी है इस गेहूं के अंदर, वास्तव में ये बहुत ही शानदार वैरायटी है। ये इसमें देखो पचराव करने की, इसमें फुटाव देखिए, इसके जो कल्ले हैं ना वो भी देखो, बिल्कुल कालापन है इसमें, मतलब कि पीलापन भी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही शानदार वैरायटी है और इसमें फुटाव बहुत अच्छा है। लगभग ये महीना भर का गेहूं हुआ है और इसमें अभी पहला पानी ही लगा है। सबसे पहले वो बोल, हकीकत बात ये है कि जब जो बीज चुनाव करते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बीज का चुनाव किस प्रकार का हो। अगर बीज हमारा सही नहीं है तो वो पैदा भी नहीं देगा, मतलब कि उत्पादन भी नहीं होगा उससे अच्छा। तो बीज का चुनाव, ये कम पानी वाला गेहूं है, ये मतलब कि 4 या 5 पानी में ही पककर तैयार हो जाएगा। और इसका जो हाइट है वो लगभग 4.5 फुट के लगभग होगी। और इसका जो चारा है वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पशु बहुत स्वादिष्ट खाता है। और इसकी उत्पादन क्षमता है वो बीघे की लगभग 45 से 50 मण के लगभग होगी। सबसे अहम बात ये है, जो इसमें जो हाइट है वो बहुत अच्छी है, 4.5 फीट। 4.5 फीट हाइट कम नहीं होती है, अगर 4 फीट भी हो जाएगा तो काफी होता है। और हमारे जो किसान भाइयों को है वो चारे की और गेहूं की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें गेहूं भी एक अहम रोल होता है, गेहूं का उत्पादन भी। अगर ऐसी वैरायटी हो जो इससे गेहूं भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और चारा भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, तो उसे किसान बहुत ज्यादा लेने के लिए इच्छुक करेगा मार्केट के अंदर। और उसकी जो इसका दाने का साइज है वो भी थोड़ा मोटा आकार में, मोटाई में अच्छा होगा। और मैं एक बात बता दूं, जब इसमें भी गेहूं पोटे के अंदर आएगा या बालियां निकलेंगी इससे, उस टाइम हमें हल्का इसके अंदर पोटाश डालना चाहिए, क्योंकि पोटाश डालने से जो गेहूं या दाने उसमें भराव होगा वो आकार में चेंज होगा, मोटाई में परिवर्तन होगा, मोटाई में परिवर्तन होगा, जिससे जब मंडी में ये निकल के जाएगा तो उसके रेट भी कुछ अलग मिलेंगे। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा मैं, ये मेरे पास है जिंक 33% के रूप में है, इसमें जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है और ये 4 kg की पैकिंग है, 400 रुपये की मार्केट के अंदर मिलेगी, किसी भी शॉप से आप खरीद सकते हैं। आप 1 बीघा के अंदर 4 kg ही डाल दें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ये ज़्यादा डालोगे तो थोड़ा केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। तो आप ये नॉर्मल इसका यूज करें और इसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको गेहूं के अंदर। एक तो पीलापन दूर होगा, थोड़ा दीमक की शिकायत हो तो वो भी दूर होगी, और जो हरापन है पचराव में एक अलग ही पहचान मिलेगी इसको डालने के बाद, मतलब जो कल्ले निकलेंगे या फुटाव में, ग्रोथ में, मतलब ग्रोथ अच्छी होगी। अब ये हमारे किसान भाई साहब हैं तो मैं इनसे बात करवाऊंगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? त्रिभुवन जी। आपने कौन सी, इसमें पिछली बार कौन सा गेहूं डाला था? सरसों थी पिछली बार। सरसों थी, तो गेहूं कोई दूसरे खेत के अंदर तो डाला होगा आपने? अच्छा, तो घर का डाला था कट्टे का? वो मेरे जन कंट्रोल का वो डाले। अच्छा, तो इसमें और उसमें कुछ फर्क? उनमें फुटाव तो वो कम कर रहा था, पर गेहूं तो सही बैठ रहा था। अच्छा, फुटाव कम था उसमें। तो ये इस वैरायटी से आप संतुष्ट हैं? WW32 हाँ, मधुसूदन का है ये। और अभी मैंने बात करवाई
तो गेहूं मतलब संतुष्ट है ना आप। देख लो ये गेहूं दिखा रहे हैं, मैं आपको फिर से दिखा देते हैं एक बार, मतलब किसान बिल्कुल भी निराशा नहीं है इस फसल से, मतलब कि खुश है, मतलब कि वास्तव में गेहूं शानदार है। ये किसान मैं आया था अभी तो इन्होंने बताया कि ये जो आसपास के लोग यहाँ देखते हैं, इधर निकलते इधर से गुजरते हैं रास्ता है, तो वो पूछते हैं कि ये कौन सा गेहूं है, कौन सी कंपनी का है, बहुत शानदार वैरायटी है। ये स्वयं बता रहे हैं अब ये प्रभु दयाल मीणा जी हैं जो इनसे पूछते हैं कि कौन सी वैरायटी है, कौन सी गेहूं डाला था आपने, ये बहुत शानदार वैरायटी है, नाम बताइए हमें भी, हम भी जिससे अगली बार यूज करें डालें। तो एक्चुअल में ये गेहूं बहुत ही शानदार वैरायटी है, क्वालिटी है इसके अंदर, और सबसे मेन बात है कम पानी का है, 4 से 5 पानी के अंदर ये कट जाएगा, मतलब कि और हाइट भी अच्छी है इसकी, 4 से 4.5 फीट, और फिर इसका चारा भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है जिससे पशु बहुत शानदार खाता है। आप पथराव देखिए ना, इसका बिल्कुल हरापन है इसके अंदर। तो मैं सभी किसान भाई को एडवाइज करूंगा ज्यादा से ज्यादा कि यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको हमेशा एग्रीकल्चर के अंदर या कृषि क्षेत्र के अंदर नई से नई अपडेट आपको जल्द से जल्द प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल पर पूछा सकूं और आपको ऐसे ही सेवा देता रहूं। सभी को धन्यवाद, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा WW32 की वैरायटी का चुनाव करने की एडवाइज करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में आप WW32 गेहूं की वैरायटी अपने खेतों के अंदर डालें और एक अलग ही फसल का उत्पादन करें। मैं फिर से एक बार वीडियो आपको दिखा रहा हूं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद है, सभी को नमस्कार, और सभी ज्यादा से ज्यादा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सभी को तहे दिल से धन्यवाद, सभी को नमस्कार। कई मिनट की बनी जी, 8 मिनट की बंद मत।